हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एम एस स्टॉक के अंदर अपना डीमेट अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई एम एस स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम फेस करनी क्यों पड़ रही है, आज की इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप मैं आपको पूरा बता दूंगा। मैं आपको अकाउंट ओपनिंग से लेकर लॉग इन तक का प्रोसेस बताऊँगा और आपको कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट मैनुअली नहीं लगाना है। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है और आपके पैन कार्ड में नाम सही है, आधार कार्ड में भी सही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो देखो सबसे पहले मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल एड्रेस लगेगा, इसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर भरा जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है भी नहीं, आपको नंबर याद है तब भी चल जाएगा। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर अगर आपको पता है तो भी हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पर भी ऑप्शन है, नहीं आधार कार्ड का नंबर तो पता होना चाहिए। एक जगह पर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं लेकिन दूसरी जगह पर आधार कार्ड का नंबर डालना कंपलसरी है, ठीक है। तो इतनी जानकारी है और आपका एक फ़ोटो खींचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसको कोई दूसरा व्यक्ति प्रोसेस नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन हो रहा है वही करेगा, बस इतना सा प्रोसेस है। और हाँ, आपको बैंक अकाउंट नंबर और पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद है तब भी आप अकाउंट ओपन अपना कर सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो आपके पास बैंक अकाउंट की 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट आपकी कभी भी 1 तारीख से लेके और 30वां महीना या फिर 31वां महीना है वो होना चाहिए। जैसे कि इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, अभी आज क्या है, 30 सितंबर, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट 31 अगस्त तक की डाउनलोड करी हुई है, 1 मार्च से 31 अगस्त तक की, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट ही, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो ये चल जाएगी। और काफ़ी सारे डीमेट अकाउंट हैं उसमें लिख के भी आता है कि इतने डेट से इतने डेट तक की निकाल लीजिए, तो उसमें भी 1 तारीख से लेके और मंथ का एंड होता है। अगर बीच में 10-15 दिन निकल गए हैं तो वो नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने 1 मार्च से लेके और 31 अगस्त तक की डाउनलोड कर दी, मैं उसको अपलोड करूँगा। तो खैर अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट कर देना, मैं कमेंट के आमतौर पर रिप्लाई देता हूँ। जो कमेंट मुझे लगते हैं कि इसका रिप्लाई देना चाहिए, जेन्युइन है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। चलते हैं अभी स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है, तो ये आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा ब्राउज़र पर। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि इसमें लगने वाले चार्जेस और इसमें मिलने वाले प्रोडक्ट के बारे में और भी बहुत कुछ। लेकिन अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, ओपन एंड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपको 3 नंबर का OTP रिसीव होगा। वो 3 नंबर का OTP आपको डालना और आपको आगे करना है। तो यहाँ पर असिस्टेंस पूछ रही है कि अगर आप अपनी कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकती हैं, अदरवाइज ये इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में ही रखना चाहता हूँ, इसके फॉर नाउ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैंने डाला, ईमेल एड्रेस पर आया हुआ OTP भी डाल दिया। अब इसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। नीचे जो नोट में लिखा हुआ है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक इंडियन है, ठीक है, तो आप ना पढ़े तब भी चलेगा। इसके बाद ये डाल के आपको सबमिट कर देना है, तो इसने जानकारी आपकी ऑनलाइन फैच कर ली है। अब ये पूछ रहा है कि ये सही है, तो आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हैं, फिर आपको कोई अपना दूसरा डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ सबमिट करना रहेगा। अब इसके बाद इसमें लगने वाले चार्जेस के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो बाकी के ब्रोकरेज की तरह ये भी है, जैसे कि अगर आप इसमें फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं तो सब जगह इसमें आपको 20 रुपये देना है, लेकिन अगर आप इसमें प्लान सेलेक्ट करते हैं 999 रुपये वाला, तो यहाँ पर सारी सेगमेंट में फ्री हो जाता है। तो मैं तो आपको एग्जांपल के लिए अकाउंट ओपन करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाई चांस मैं 999 रुपये वाला प्लान सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें टोटल चार्जेस 1207 रुपये 31 पैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्री वाले को ही सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो इसमें एक स्टेप और जुड़ेगा पेमेंट करने वाला। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये AMC चार्ज का और पूछ रहा है कि अगर आप AMC चार्ज भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 999 रुपये वाला प्लान सेलेक्ट करना है, तो ये भी आपका टोटल 1207 रुपये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टोटल 2414 रुपये हो रहा है अगर आप AMC और ब्रोकरेज फ्री चाहते हैं तो। अदरवाइज आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी तो आपको कुछ भी नहीं देना है, लेकिन बाद में इसमें चार्जेस लगेंगे जो अभी पीछे लिखे थे। और यहाँ पर नोट करने वाली बात एक और है,
वो ये कि इसमें अगर आप EMC चार्ज लाइफ टाइम के लिए फ्री करवाते हैं तो 1207 रुपये पे करना है, मतलब कि 999, और बाकी के चार्ज GST वगैरह, पार्टनर चार्ज वगैरह, ठीक है, तो टोटल 1207 रुपये हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप ब्रोकरेज भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवाना चाहते हैं, सेम आपको 1207 रुपये देना है। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि अगर अभी आप फ्री वाला अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कोई भी चार्ज वगैरह पे नहीं करते हैं, आप सोच रहे हैं कि पहले मैं इस एप्लीकेशन को यूज कर लूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसको अपग्रेड करूँगा, बाद में आप अपग्रेड तो कर सकते हैं लेकिन चार्जेस फिर ज़्यादा लगेंगे, फिर 999 की जगह पर 1299 रुपये देना पड़ेगा, GST पार्टनर चार्ज फिर भी लगेगा, वो दोस्तों फिर ज़्यादा रहेगा। अब इसके बाद अगर आप एम स्टॉक किसी को रेफ़र करते हैं तो इसमें आपको 555 रुपये मिलेंगे, और नीचे इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी हुई है कि कैसे कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए आपके फ्रेंड को अकाउंट ओपन करना है और उसको वो 999 रुपये वाला प्लान सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर दूंगा कि मुझे किसी को रेफ़र नहीं करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेल्फी के लिए बोल रहा है, तो जो भी परमिशन है वो आपको देनी पड़ेगी, तब आपका कैमरा ऑन होगा, फिर आप इसमें अपनी सेल्फी अपलोड कर सकती हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है और अभी ये हमें सीधा रीडायरेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका फेस सामने होना चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं लगाना चाहिए, अगल बगल नहीं देखना चाहिए, ग्रुप में फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना कुछ इस तरीके से फ़ोटो खींच लिया है और अभी ये यहाँ पर शो होने लगा है, फ़ोटो सही है मैं कन्फर्म कर दूंगा, अदरवाइज रीटेक पर क्लिक करके मैं दूसरा फ़ोटो भी खींच सकता हूँ। अब इसके बाद सिग्नेचर आपको एज अ पैन कार्ड करने पड़ेंगे, मतलब कि जैसे पैन कार्ड पर सिग्नेचर है, तो मैंने यहाँ पर कर दिए है। अब ये एक बार कन्फर्मेशन मांग रहा है तो मैंने इसको यहाँ पर कन्फर्म कर दिया। अब इसके बाद अपना बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है, तो आपका कौन सा बैंक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना पेटीएम पेमेंट बैंक लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया, मैंने सर्च किया। अब IFSC कोड डालना है, मैंने IFSC कोड डाल दिया। अब डालना है यहाँ पर अकाउंट नंबर, मैंने अकाउंट नंबर डाल लिया, वेरीफाई पर क्लिक किया। अब दोस्तों ये वेरीफाई हो गया है, साथ ही अभी हमें 1 रुपये भी रिसीव होगा, तो ये तो सब में होता है दोस्तों, किसी में भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करो, क्योंकि ये 1 रुपये इसीलिए आता है, वेरीफाई करता है कि आपका ये बैंक अकाउंट अभी चालू है, ठीक है, तो इसीलिए 1 रुपये आता है। अब इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसके बाद फादर्स का आपको नाम डालना है, और इसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम वगैरह सिलेक्ट करनी है, और ये जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, तो इस पर आप नो ही रखेंगे, और आप इनको पढ़ सकते हैं कि क्यों नो रखना है, आपने सेव करी। अब इसके बाद पर्सनल डिटेल में आपको जानकारी भरनी थी। अब इसके बाद दोस्तों आप नॉमिनी बनाना चाहें तो नॉमिनी बना सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है, तो ये पूछ रहा है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे करना है, अदरवाइज आप मे बी लेटर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर अभी आपके पास स्टेटमेंट नहीं है तो आप मे बी लेटर कर दें, मतलब कि जब आपके पास स्टेटमेंट हो तब आप मतलब कि अपना FNO एक्टिवेट कर लेना। तो स्टेटमेंट के अलावा यहाँ पर और भी प्रूफ होते हैं, जैसे कि सैलरी स्लिप वगैरह, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिए। इसके बाद ये रिस्क डिस्क्लोजर भी आ रहा है, तो दोस्तों ये रिस्क डिस्क्लोजर आप पढ़ लेना, ये अभी काफ़ी जगह आपको दिखने लगेगा, जब जब आप अकाउंट ओपन का प्रोसेस करते हैं या फिर आप लॉगिन करते हैं तभी आपको दिखाता है। अब दोस्तों यहाँ पर डिजी लॉकर से हमारी जानकारी है तो वो फैक्च कर रहा है, तो डिजी लॉकर के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला था, या फिर आप आधार कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिजी लॉकर का मुझे पासवर्ड नहीं पता था, तो मैंने फॉरगेट पासवर्ड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अपना एक नया पासवर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, डिजी लॉकर का, तो मैंने बना लिया है और अब इसमें लॉगिन भी हो गया है, ठीक है। तो इसने हमारी जो डिजी लॉकर की आधार कार्ड की जानकारी थी, एड्रेस वगैरह, तो वो डिजी लॉकर से फैक्च कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्टेप आपको भी करना रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है, ठीक है, तो वो ओपन नहीं हुआ, तो मैं इसको रिप्रेस कर दूंगा, ठीक है। ये बोल रहा है इसमें एरर आया है और कांटेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसको क्या है यहीं पर रिप्रेस कर दिया। अब देखते हैं शायद दोबारा में प्रोसेस हो जाए, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ वेट करूँगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है तो वो आ गया है, मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, अदरवाइज ई साइन करने के लिए अभी मैं प्रोसीड करूँगा, क्योंकि मुझे वो फॉर्म देखना नहीं है। अगर आपको देखना है, पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉक्स पर टिक करना है, अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है, तो जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको OTP रिसीव होगा 6 नंबर का, वो OTP डाल के आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका OTP वेरीफाई हो गया और ये बोल रहा है कि आपने अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है,
और 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है। अभी आप अकाउंट में लॉगिन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी आप कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। खैर दोस्तों, अभी मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ और एम स्टॉक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। और मैंने डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पर वहीं से रीडायरेक्ट हो गया। अदरवाइज़ आप चाहें तो वैसे ही मैनुअली प्ले स्टोर ओपन करके भी एम स्टॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो परमिशन पूछ रहा है, आप इसको अलाउ करेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन होने के लिए अभी मुझे पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन मुझे मतलब कि क्लाइंट आईडी है तो वो तो मिल गया है। तो अभी यहाँ पर मैं पासवर्ड रीजनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ जानकारी फिल करी, लेकिन अभी यहाँ पर एरर आ रहा था, ठीक है। तो अब मैंने किया तो यहाँ पर पासवर्ड हमारे अब मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैसेज के थ्रू मुझे पासवर्ड मिल भी चुका है। तो अब मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो मुझे मिला है मैं उसको डालूंगा, उसके बाद नीचे अपने डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन आने लगा है कि आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड अब मैंने अपना बना लिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है कि आप अपना कोई सिक्योरिटी बना लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर OTP के थ्रू लॉगिन करना चाहूँगा, ठीक है। अदरवाइज जो फिंगरप्रिंट आप उसको भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं और ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये सारे स्टेप अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ। ये बेसिक जानकारी है, तो ये जानकारी लेना ज़रूरी रहता है। ये यहाँ पर एम स्टॉक की असिस्टेंस है, ये कुछ आपको फीचर्स के बारे में बताएगी। तो आप इसका वीडियो प्ले कर सकते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में। और दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एम स्टॉक का इंटरफेस है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एम स्टॉक एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है, देखो मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग से लेके और लॉगिन तक का प्रोसेस बता दिया है। अब बचा है कि आप इस एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करेंगे। तो अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर भी जल्दी वीडियो बना दूंगा।